हिस्ट्री में कलकत्ते का वैश्या ने गाया हुआ है। तो जहां के लोग सबसे ज्यादा विचारी है, वैश्यालय में बैठने वाले बैठाने वाले हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? शिव बाबा, शिव बाबा सूर्यवंशी बनाने आता है या अरुणवंशी बनाने आता है? वो तो सूर्यवंशी बनाने आता है। सूर्यवंशी में विचार होता है क्या? उसका कल्याण महाकाली करे। हाँ, आपकी दुनिया के विचार ही हुए, बहुत जिनमें विचार फैला, उनका कल्याण महाकाली करे। और उसका मंदिर भी बाबा वही बना जो है, और कहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना मंदिर वहां गाया हुआ है। बाबा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही क्यों कहते हैं? ये दुनियावी कहावत है क्या? ये कहावत बाबा की सिखाई हुई नहीं है, कि बाबा की सिखाई हुई, ये तो दुनिया वालों की सिखाई हुई कहावत है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि दुनिया वाले कमजोरी सिखाते हैं या मजबूत बनना सिखाते हैं, वो कमजोर बनाते हैं। महात्मा गांधी भारत को कमजोर बना करके गए या पावरफुल बना के गए? कमजोर बना के गए। और उस कमजोरी को जिन्होंने फॉलो किया वो आत्माएं मजबूर हैं उनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ाई बन रही अब कुछ बन नहीं है। महात्मा की लगाते हैं, वो एक पॉलिटिशियन थे, गांधी है वो एक पॉलिटिशियन थे, और कहीं पे भी किसी जा रहा था उसमें लगाते गांधी जी का जो महात्मा लगाते। बच्चा बुद्धि ज्यादा अच्छा होता है या जो सही बुद्धि होता है वो ज्यादा अच्छा होता है? बच्चा बुद्धि ज्यादा अच्छा होता है। विकार विकार नहीं होते, लेकिन बच्चा बुद्धि की बुद्धि में ज्ञान होता ना नहीं बैठता। क्या ज्ञान की गहराई बच्चा बुद्धि की बुद्धि में नहीं बैठती,
इसलिए महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी जी और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं। मन ब्रह्मा के तन में शिव ने आकर के बोला ज्ञान, लेकिन जो भी ज्ञान बोला उस ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके विस्तार में ले जा करके उसे अपना बनाया है कि जितना सुनाया उतना ही दूसरों को सुना दिया है। बच्चा क्या करता है, स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, रट लेता है, रटा हुआ दूसरों को सुना लेता है, उसे कहते हैं बच्चा बुद्धि। ऐसे ही ब्रह्मा कहो या महात्मा गांधी कहो, इसका पार्ट है बच्चा बुद्धि का। बच्चे को महात्मा कहा जाता है, अगर महात्मा न हो, बच्चा बुद्धि न हो, तो इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ाने की क्या दरकार है। सबसे जास्ती लंबा टाइम कौन सी आत्मा लेती है समझने में, ब्रह्मा जी बोलिए। संतर से बात पढ़ाते 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 40-44 साल पूरे होते हैं, तब वो बच्चा काली बुद्धि बनता है, बाप समान बनता है। बाबा जगदम्बा देते हैं, जगदम्बा देते कि ब्रह्मा बाबा लेता है जगदम्बा के माता, वो माता तू है सबकी भाग्य विधाता, एक के पति बनने से सारी पति बनते हैं, कौन बनने से सारे कौन बनते हैं, तो माता देती क्यों लेगा ब्रह्मा बाबा। एडवांस ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो पहले सहयोगी बनेगा, या जिसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा वो पहले सहयोगी बनेगा। बुद्धि में बैठेगा वो सहयोगी बनेगा। तो जगदम्बा पहले एडवांस ज्ञान लेती है, जगदम्बा की बुद्धि में एडवांस ज्ञान पहले बैठता है या ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पहले बैठता है, बोलो। प्रजापिता के अंदर प्रवेश कर गया और वो जैसे पढ़ता है अब भी पढ़ता है, और जैसे जगदम्बा सकार में पढ़ती थी, तो पता नहीं किसके बुद्धि में कहां में बैठा है पता नहीं। अरे पढ़ाने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा या पढ़ने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा, पढ़ाने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा। तो पढ़ाने वाला तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश किया वो पढ़ाने वाला हुआ प्रैक्टिकल में, और पढ़ने वालों में कौन हुआ पहले, जिसने अपने जीवन को पहले समर्पित कर दिया वो पहले पढ़ने वाला है, या जिन्होंने बाद में समर्पित किया वो पढ़ने वाले, जिसने पहले समर्पित किया उसको सब दुनिया ने फॉलो किया और ने फॉलो किया। तो जगदम्बा तो एडवांस पढ़ाई पढ़ने वालों में आगे जाने वाली हुई ना, बल पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। कोई होते हैं धक्के से चलने वाले और कोई होते हैं अपनी स्वेच्छा से चलने वाले। तो दिल्ली के लिए खास बोला है अजय कवाणी ने, दिल्ली की सेवा में माताओं का हाथ सबसे जाती है, क्या माताओं ने कुछ करके आगे बढ़ाया और सरेंडर हो गई। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करते थे, तो अब क्या इसमें कुछ चेंज करना होगा या योग की विधि में कुछ चेंज होगा, योग की विधि में कुछ चेंज आएगा, योग की विधि में चेंज नहीं आया, जी चेंज करना पड़ेगा कुछ बेसिक में आने के बाद। माने बेसिक में जो हम याद करते थे वो तो सुप्रीम सोल को याद करते थे, एडवांस में एडवांस में और याद करते हैं वो सिर्फ सुप्रीम सोल को तो नहीं याद करते, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है सहज राजयोग, और सहज जो है और निरंतर याद, सहज याद साकार के द्वारा याद करेंगे
तो सहज और निरंतर होगा, या बिंदु को खींच खींच के याद करते हैं तो सहज और निरंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आंखों से देखी जाती है, इंद्रियों से अनुभव की जाती है, वो याद ज्यादा रहती है। 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा संसर्ग संपर्क हुआ, वो साकार में हुआ या निराकार आकार में हुआ, तो याद आते। इस जन्म में भी वही ज्यादा याद आते हैं जिनका साकार में संबंध, संसर्ग संपर्क जाते हुए। तो ऐसे ही यहाँ भी ये मनोविज्ञान काम करता है कि सिर्फ बिंदु को जो याद करते हैं वो है हठयोग, और बिंदु को पहचान करके याद करते हैं कि वो किस तन के द्वारा संसार को चेंज करके जाता है, संसार का परिवर्तन करता है, वो कौन मुख्य निमित्त है जिसके द्वारा स्वर्ग स्थापन होता है। तो पहचान हो गई ना, जब पहचान हो गई तो याद अच्छी आएगी या ठीक ठीक याद करनी पड़ेगी? अच्छी याद आएगी, सहज याद आएगी और निरंतर भी याद आएगी। बाबा मुन्नी में बोलते हैं अंत में दुनिया एक पानी की बूंद के लिए तरसेगी और एक खाने के दाने के लिए तरसेगी, तो बाप के भंडारे भरे पूरे रहेंगे। तो बाबा ये स्कूल के भंडार की तो बात ही हुई है, स्कूल के भंडार की तो ये बात ही हुई। माना जो बाप के बच्चे हैं वो स्थूल चीजों के लिए भूखे मरते रहेंगे, उनमें तो योग की पावर होती है, योग की पावर खाते रहेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, माने खुशी जैसी खुराक खाते रहेंगे, वास्तव में पेट भरने की दरकार नहीं रहेगी। है वो कम लगेगा, है अब कम लगेगी वो बात ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन लगेगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। लगेगी तो देवताओं का भोजन ही कब होता है? खुशी जिसके अंदर रहती है, दुकानदार है सुबह से शाम तक खूब कमाई हो रही है, उसको भूख लगती है नहीं लगती? बाहर की दुनिया में आजकल केमिकल से खेती करते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग जाती है? वो है स्थूल खेती और स्थूल अन्न, स्थूल अनाज, जो स्थूल अन्न है, स्थूल अनाज है, वो स्थूल खून को बढ़ाता है, और हमारा अनाज सूक्ष्म है, हमारा अन्न सूक्ष्म है, हमारा पानी भी सूक्ष्म है। वो पानी होता है वो खाना पचाता है, अन्न को पचाता है, ताकत तो नहीं देता। ऐसे ही हमारा पानी कौन सा है सूक्ष्म? ज्ञान जल है। ये ज्ञान जल ताकत नहीं देता है, जो ज्ञान माने पहचान हुई, उस पहचान के आधार पर जो हम याद करते हैं वो याद ही हमारा भोजन है। क्योंकि जिसको याद करते हैं उस संबंध के आधार पर याद आता है कि बिना संबंध के याद आता है? इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों से संसर्ग संपर्क के आधार पर जो संबंध जुटता है वो संबंध बार बार याद आता है। तो जो याद आता है वो हो गया हमारा अनाज, अन्न, भोजन। क्या वो भोजन हो गया आत्मा का, और उस भोजन को पचाने के लिए है ज्ञान जल। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सुबह को ज्ञान स्नान करो, रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हम याद की शक्ति लेते हैं
वो याद की शक्ति खून बनाती है, वो है स्थूल खून और ये है सूक्ष्म खून। वो खून भी जो अन्न से बनता है दो प्रकार का होता है, काला खून और लाल खून, और ये खून भी संकल्पों का खून है, ये भी दो प्रकार का है, गंदा खून गंदे संकल्प चलते हैं और अच्छा खून स्वच्छ संकल्प चलते हैं। तो स्वच्छ संकल्प अगर चलाने हैं तो जो यूरिन का बना हुआ भोजन है उसमें भी यूरिया डालते हैं क्या? यहाँ भी भोजन में ज्ञान में चलने वाले बहुत यूरिया डाल देते हैं, कहते हैं मूत की पैदाइश, क्या डाल देते हैं? मूत डाल देते हैं, भांड खाते हैं। एक तरफ ज्ञान में भी चलते जाते हैं और दूसरी तरफ भांड भी खाते जाते हैं, पेशाब भी पीते पिलाते जाते हैं। तो यूरिया पड़ रही है ना संकल्पों के खून में, और संकल्पों के खून में जब यूरिया पड़ेगी तो भोजन सुखदायी बनेगा, सात्विक बनेगा या तामसी बनेगा? तामसी संकल्प आते जो तामसी संकल्प स्वर्ग की दुनिया नहीं बनने देते। ब्रह्मा के सब संकल्पों से स्वर्ग की सृष्टि रची गई, वो सब संकल्प ही नहीं चलने देते। तो ये केमिकल का प्रभाव है, दुनिया में खेती हो रही है ना, दुनिया में जो खेती हो रही है वो केमिकल की खेती हो रही है या नैसर्गिक खेती हो रही है? केमिकल की खेती हो रही है। केमिकल में मुख्य खाद कौन सी है? यूरिया। यूरिया माने यूरिन से बनी हुई। बाबा ये नई आत्माओं को पहले बेसिक में पढ़ना चाहिए या एडवांस में आना चाहिए? वास्तव में यहाँ एडवांस में नए तो कोई आते ही नहीं है। जो लौकिक पढ़ाई होती है उसमें ऐसा कोई स्टूडेंट होता है हायर क्लास का कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई न पढ़ी और एकदम बीएमए में पढ़ना शुरू कर दे? होता है कोई? नहीं होता। तो यहाँ नया कोई नहीं आता है, इस जन्म में नहीं चला होगा, बेसिक नॉलेज नहीं लिया होगा, तो पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज ली जरूर होगी, फिर शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाता है। एक आत्मा ने नहीं यहाँ अभी कोर्स किया, कल ही खत्म हुआ उसका है, तो उसको फिर अभी जाने एडवांस में लाना चाहिए जिससे कल कोर्स खत्म है। वास्तव में तो बेसिक क्या है, शुद्ध बेसिक क्या है? शुद्ध बेसिक का ज्ञान है मुरली। अगर मुरली की ही बातें सुनाई जाए, दूसरी कोई मनमत और मनुष्य मत उसमें मिक्स न की जाए तो एडवांस कहा जाएगा या नॉन एडवांस बेसिक कहा जाएगा? एडवांस ही कहा जाएगा। मुरली की बातों में उन्होंने अपनी मनमत मिक्स की हुई है देर आज गुरुओं ने, उसको हम बेसिक कहने लगे। वास्तव में असली बेसिक तो मुरलियों का ज्ञान है। मुरलियों में जो बोला गया ब्रह्मा के मुख से वही बेसिक है, वही सात्विक है, वही वेदवाणी है। बाबा जो भी कुछ बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ता है तो पहले उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया से होता है। हाँ जी। तो बाबा कितना टाइम लगता है वो बाहर की दुनिया में दिखने में? कितना टाइम लगता है बाहर, जैसे कुछ भी फाउंडेशन है वो ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ गया तो कितने टाइम बाद वो बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ेगा?
गंदे संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के खिलाफ संकल्प चलाते हैं, उन संकल्पों से हमारी आत्मा की जो शक्ति रखी जाती है वो द्वापर कलयुग में रखी जाएगी या सत्युग त्रेता में रखी जाएगी? द्वापर कलयुग में रखी जाएगी। और जो सब संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के अनुकूल चलाते हैं, उसमें मन मत मिक्स नहीं होती, मनुष्यों की मत मिक्स नहीं होती, ऐसे संकल्प जो चलाते हैं उसमें तीव्रता होगी या धीमी गति होगी? तीव्रता होती, इसलिए वो जल्दी फल लेते हैं, सत्य त्रेता में फल लेंगे। और वैसे भी कर्मों की गुह्य गति का यही हिसाब है कि जो कर्म जितनी तीव्र गति से किए जाएंगे उतने जल्दी फल देंगे, और जो कर्म जितनी धीमी गति से किए जाएंगे उतने अनेक जन्मों के बाद फल देंगे। जो कर्म मन की पूरी पावर लगा करके, तन की पूरी पावर लगा करके, धन की पूरी पावर लगा करके, वाचा की पूरी पावर लगा करके, माने मनसा वाचा कर्मणा तीनों की पूरी पावर लगा करके तीव्रता से किए जाएंगे, वो जरूर जल्दी फलीभूत हो जाएंगे। ईश्वरी सेवा में भी ऐसे ही, अगर हम सिर्फ याद करके, याद की ताकत से हम कोई काम कराना चाहें तो उतने जल्दी फलीभूत नहीं होगा, और मन का वाचा कर्मणा तीनों की ताकत लगा करके कोई पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, तो जल्दी जल्दी फलीभूत हो जाएगी। बाबा बेसिक वाले और जैसे वो ज्ञान के अंधे, ये तो ठीक है, वो बाप को नहीं पहचानते, और जो एडवांस में कहते हैं कि ये पवित्रता के लंगड़े हैं, ये इसका क्या रहस्य है? ये पवित्रता के लंगड़े हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि बेसिक वालों में आपने समझ लिए सब एक जैसे, वो सब एक जैसे नहीं है। रुद्रमाला में पवित्रता के लंगड़े हैं तो वो सब एक जैसे लंगड़े हैं, या कोई कम लंगड़ा है, कोई ज्यादा लंगड़ा है? है? कोई ज्यादा लंगड़ा है, कोई कम लंगड़ा है। जैसे पोलियो की बीमारी होती है, कोई पोलियो को मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, और कोई पोलियो को मरीज जिंदगी भर इलाज कराते रहो ठीक ही नहीं होता। ऐसे यहाँ लंगड़े भी भांति भांति के हैं, अनेक अलग अलग धर्मों के, और वहां जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता के स्वभाव संस्कार वाली, वो भी अलग अलग धर्मों की है, एक धर्म की नहीं है। उनमें 10% ऐसी है जो ब्रह्मा के संस्कार वालों, ब्रह्मा के संस्कार पवित्र संस्कार थे या पवित्र संस्कार थे? पवित्र संस्कार थे। तो क्या सब एक ही जैसे हैं? नहीं, कोई आत्माएं जी के ऐसे ही भी हैं, ब्रह्मा कुमारियां ऐसे भी हैं जो जन्म जन्मांतर जिन्होंने पवित्रता का पालन किया है। एक ही आत्मा के संग एक दो या चार थोड़ी सी थोड़ी आत्माओं के साथ उनका संबंध रहा है, देह का संबंध, अनेकों के साथ उनका देह का संबंध नहीं रहा है। कोई ऐसी है जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, ढेरों के साथ उनके संबंध बनते हैं, ढेर का तलाक देते हैं, ढेर डाइवोर्स देते हैं, तो उनका संबंध ही जब अनेकों के साथ बनेगा तो अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा जब तक वो देवता धर्म के अंदर है, कौन
कोई सा भी जैसे जीवन जैसे यहाँ पर जैसे जैसे बातचीत कर रहे थे अपने धर्म से जैसे वो कन्वर्ट जैसे नहीं हुआ, दूसरे धर्म में जैसे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका जो जोड़ी जो सतयुग में फिक्स होगा वही यहाँ रहेगा, द्वापर और कलयुग में वही जोड़ी रहेगा जैसे राम पाप का होता है। अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट न हुआ हो तो जो अपने धर्म की पक्की आत्मा है, जैसे झाड़ में तीन हिस्से हैं, एक है तने का हिस्सा नीचे से लेकर के ऊपर तक, दूसरा हिस्सा वो है जो दाई ओर की डालियों में कन्वर्ट हो गया भारतीय धर्मों में, तीसरा हिस्सा वो है जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीन प्रकार के ग्रुप हो गए, उन तीन प्रकार के ग्रुपों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो है सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो सूर्यवंश के पक्के हैं और चंद्रवंश के पक्के, माने लक्ष्मी नारायण के पक्के फॉलोअर्स हैं। ऐसी आत्माएं अभी भी पुरुषार्थ कर रही है, बेसिक वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है और एडवांस वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है, वैसी उनकी प्राप्ति होगी। चंद्रवंशियों को प्राप्ति होती है प्योरिटी के आधार पर, जो जन्म जन्मांतर की उन्होंने प्योरिटी धारण की है, जैसे बच्चा विकारी होता है निर्विकारी होता है, निर्विकारी होता है, निर्विकार बुद्धि तो महात्मा कहा जाता है, ऐसे ही वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली स्वभाव की हैं। दूसरी वो है जो रुद्रमाला के पक्के हैं अपने धर्म के और कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं लेकिन पवित्रता के लग रहे हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव के हैं या रानियों के स्वभाव के हैं, भारत की रानियों ने ज्यादा पवित्रता को पालन किया या राजाओं ने पवित्रता को ज्यादा पालन किया, रानियों ने पवित्रता का पालन किया और राजाओं ने अनेक रानियां रखी, उनके अंदर संस्कार हैं, वो ही संस्कार ज्यादा होने के कारण पतित होने के कारण पहले ज्ञान किसको उठाना चाहिए, जो ज्यादा पतित बने हैं उनको पहले ज्ञान चाहिए या जो पतित बने ही नहीं नाम मात्र पतित बने हैं उनको पहले ज्ञान में आना चाहिए, वो रुद्रवाला के मण के पहले ज्ञान में आ जाते हैं और विजयवाला के मण के बाद में ज्ञान में आएंगे। गंदा कपड़ा होगा तो जल ज्यादा चाहिए, कपड़ा स्वच्छ है तो जल कम चाहिए। बाबा जैसे कहते हैं शिव बाबा मैं पतित साधारण धर्म में आता हूँ और साधारण धर्म में आता हूँ गरीब निवाज हूँ, तो ब्रह्मा बाबा में क्यों आई सब कैसे बोलते, ये बाप कहते हैं कि अम्मा कहती है कौन कहते हैं शिव बाबा कहते हैं, शिव बाप है ये शिव अम्मा का रूप है, कौन कहता है बाप कहते हैं, बाप गरीब निवाज है अम्मा गरीब निवाज थोड़ी, इसलिए उन्होंने गीत बना दिया है तुम हो महलों की अलबेली और मैं हूँ गंगुआ तेली तुम घी की बड़ी बटुकिया हो मैं गागलेट का डब्बा हूँ दुनिया में जो गीत बनाए हुए हैं सारी कहाँ की यादगार, यहाँ की यादगार। दृष्टि किसी को कम मिलती है किसी को ज्यादा, पूर्व जन्मों का
है? क्यों क्या कैसे जल्दी शुरू हो जाता है? पापा जी बच्चे को दृष्टि देते हैं तो उन्हें क्या देखते हैं? पापा जी बच्चे को दृष्टि देते हैं। बाबा के बच्चों को दृष्टि देते हैं, कौन देते हैं? पापा जी देखते हैं दृष्टि देने के लिए। हाँ? तो बच्चों में क्या देखते हैं? बाबा जब दृष्टि देंगे तो जिसको बाबा कहा जाता है वो बाबा कौन है पहले तो ये देखना पड़े, कौन है बाबा? बाबा माने क्या? एक तो साकार आत्मा, जो जन्म जन्मांतर साकार रहने की स्वभाव संस्कार वाली ज्यादा है, और एक है निराकार आत्मा। तो दो आत्माएं हो गई ना, कि एक है दो है, और दोनों ही एक ही शरीर में बैठी है कि अलग अलग शरीरों में? एक ही शरीर में बैठी है। और दोनों को जो आंखें मिली हुई है वो भी वही है, जो निराकार की आंखें हैं वही वो निराकार की आंखें। अब रही दृष्टि देने की बात, जो दृष्टि देने वाला है पहली बात तो लेने वाले के ऊपर आधारित है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे किसकी गोद में आए? जो बोलते थे हम शिव बाबा की गोद में आए, कपा जैसे हम तो ब्रह्मा बाबा गोरे चिक्के की गोद में आए। तो फिर ऐसे ही बाबा जब दृष्टि देते हैं तो आप किससे दृष्टि लेते रहे? आप दृष्टि किससे लेते रहे? शिव बाबा से लेते, तो पूछते काहे के लिए? अगर शिव बाबा से ही दृष्टि लेते रहे तो पूछने की बात नहीं। अगर कुछ अंतर पड़ता है, संशय पड़ता है, पता नहीं शिव बाबा दृष्टि दे रहा है कि पता नहीं कौन दृष्टि दे रहा है। बाबा क्या देखते हैं बच्चों के अंदर? हाँ वही बात है, दृष्टि देने वाला कौन है? दृष्टि देने वाला हम क्या समझते हैं? हमको दृष्टि देने वाला कौन है? सदैव जो निराकारी सदाशिव है वो हमको दृष्टि देने वाला है, या 84 जन्मों में साकारी बन करके जो रहता है वो दृष्टि देने वाला? हमको दृष्टि देने वाला तो निराकार है। जब ये बुद्धि में रहता है कि हम निराकार बाप से शिव ज्योति बिंदु से दृष्टि ले रहे हैं, तो बुद्धि में रहेगा कि दृष्टि कैसी मिल रही है, है? सत्य चित्त आनंद से दृष्टि मिल रही है, जो सदैव ही सत्य है। अगर देहधारी से दृष्टि ले रही तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? अंतर पड़ जाएगा। ये अपने ऊपर आधारित है कि बाबा जब दृष्टि देते हैं तो क्या देखते हैं। निराकार निराकार आत्मा को देखेगा, और जो साकार है उसका तो नाम ही शंकर है, और जो शंकर है वो यूरोपवासी यादव है या पांडव है, क्या है, है? अरे कृष्ण को यूरोपवासी यादव का हेड बताया है, शंकर को यूरोपवासी यादवों का हेड बताया है या पांडव बताया है? क्या बताया? यूरोपवासी यादवों का हेड बताया। तो जो यूरोपवासी है नाम ही क्या, यू कहां का वासी? रूपवासी। तो वो रूप देखेगा, आत्मा को देखेगा? किसको देखेगा? वो तो रूप को देखेगा। अब आपको क्या पसंद है, जो पसंद है उसको। और पसंद ना पसंद की भी बात नहीं है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। जिसका साकार के साथ ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब है उसको वो जरूर याद आएगा, और जिसका हिसाब किताब नहीं है वो उसको याद नहीं आएगा।
बाबा ज्योतिबिंदु के साथ इंसान की तरफ ज्ञान लेने का, ज्योतिबिंदु के हिसाब किताब हमारे साथ क्या है? ज्ञान लेने का, याद करने का। कौन से संत से सर 36 से लेकर 2036 तक छुट्टी होती रहती है। चार भागों में, ऐसा नहीं है, हर आत्मा का अलग अलग है। क्या कि सब आत्मा एक ही साथ आती है परम नाम से, है नंबर बार आती है, तो जैसे जैसे हिसाब से उनका आना जान आना है ऐसे ही हिसाब से उनकी शूटिंग है। कहते हैं कि कल्याण में भी कल्याण है, तो जब बच्चे शादी करवा देते हैं उसमें क्या करते हैं? शादी जानबूझ के करवा लेते हैं या अनजाने में करवा लेते हैं? अरे ज्ञान में आने वालों की बात की जा रही है या जो अज्ञानी है उनकी बात कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? ज्ञान में जो आ चुके हैं, अब ज्ञान में आ गए हैं तो बाप को पहचान लिया है, वेद के बाप को पहचान भी लिया है, और पहचानने के बाद जो बात मना की जा रही है वही काम कर रहे हैं, तो आत्मा तो अंदर से कचोटेगी ना। तो जो आत्मा अंदर से खाती है वो बार बार नीचे नीचे ले जाती है। जो बाबा अपने बच्चों की शादी कर देते हैं ज्ञान में चलकर, एक ही बात तो है जो माता ने अभी पूछी वही बात तो है। और क्या, अपने बच्चों की ज्ञान में आने के बाद अगर शादी कर देते हैं खुद स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब बच्चों की शादी कर रहे हैं तो भगवान की नजर में कैसे दिखाई देगा? अरे अरे माँ बाप के लिए अपना प्राण तो अपने बच्चे ही होते हैं पहले, अगर लड़कियाँ ज्ञान में चलती ना हो उनके लिए तो छुट्टी दे दी मुरली में, मुरली में छुट्टी दे दी, जो बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है उसकी शादी कर दो, बाकी बच्चों के लिए छुट्टी नहीं दी है। बच्ची की शादी नहीं करेंगे वो काला मुंह करके कहीं भाग जाएगी तो ज्ञान की बदनामी होगी। ऐसा सीधा सीधा कहे तो बच्ची ज्ञान में नहीं चलती थी नहीं शादी कर ली। जो लड़के ज्ञान भी नहीं सुनते तो उनका क्या करना चाहिए? जो लड़के भी नहीं ज्ञान नहीं सुनते फालो फादर करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा के भी दो बच्चे थे ज्ञान में नहीं चलते थे, क्या किया? बेदखल कर दिया। देखा बेदखल नहीं करेंगे तो भी तो मुसीबत हमारे ऊपर आएगी, घर में लाएंगे घर में ही गंद करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे फिर बच्चों को खिलाना पिलाना उनका लालन पोषण करना वो भी दादी अम्मा को ही करना पड़ता है, सारा बांधा बूंदी हो गई ना। फिर बाबा जो ज्ञान में आने के बाद विकार में चले जाते हैं है आपकी नियत रुक जाती है?
नहीं नहीं आ ऊपर आ जाती है पूछ रहे हैं मैंने कुछ रहस्य त्योहार क्यों मनाते हैं? इसका ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? कोई भी त्योहार हो, वो त्योहार मनाने का फाउंडेशन डालने वाले कोई होंगे या नहीं? शूटिंग की जरूरत है ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग हो रही है, चाहे त्योहार हो या कोई भी अनुष्ठान हो, शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मण की दुनिया में। बाबा किसी को लौकिक अलौकिक और पारलौकिक ये किस तरह से समझाया जाए? लौकिक तो मतलब ये आपके बाद रहे हैं, पारलौकिक तो विश्व का पिता है, और जो अलौकिक हो गया वो सारे ब्रह्मांड का है। लोक कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं वो हुआ लौकिक। हम जानते हैं आज की दुनिया के लोग तो मंगल ग्रह पर भी जाते हैं, चंद्रमा पर भी जाते हैं, तो वो सब लौकिक हो गया। माने सूरज चांद सितारों की दुनिया के अंदर जो भी है वो सब लोक हो गया। उस लोक से पार जो है उसका नाम क्या है? पारलौकिक। वहां की रहने वाली हम सब आत्मा है, कोई कहे हम नहीं मानते कि सब आत्मा वहां की रहने वाली है। समझाना पड़े कि दुनिया की आबादी मनुष्यों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों सब की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? लाजमी कहेगा बढ़ रही, तो कहां से बढ़ रही? अगर इसी दुनिया की होती तो पहले भी बढ़ जाती। इसका मतलब है इस लोक से पार एक पार लोक है जहां से आत्माएं आ रही है, लेकिन वापस जाने का उनको रास्ता पता ही नहीं। इस दुनिया में आकर के वो इसी दुनिया में फंस के रह जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती। तो हम सब आत्मा है और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा वो पारलौकिक है वास्तव में, लेकिन सदाकाल के लिए पारलौकिक एक ही है आत्मा, वो है पारलौकिक बाप। आत्माएं जब इस दुनिया में आती हैं तो जन्म बाई जन्म जन्म लेती रहती है। जन्म लेने के लिए जो बीज डालता है वो उनका लौकिक बाप है जन्म जन्मांतर। सब फंसी हुई आत्माएं हैं इस दुनिया में, तो उनको छुड़ाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? जो जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं उनके तो छूटने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म की बातें ही भूल जाते हैं, उनमें चक्कर का ज्ञान है ही नहीं। तो जो इस चक्कर से फ्री है हमेशा के लिए पारलौकिक बाप, वो इस सृष्टि पर जब आता है जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है या टेम्परेरी रथ में प्रवेश करता है उनको फिर अलौकिक मानसिकता कहा जाता है। वो है अलौकिक। इस लोक का काम नहीं करवाएंगे क्या? इस काम में भी लगाएंगे या खुद लगेंगे वो लौकिक काम नहीं होगा उनकी जिंदगी के लिए।
कौन सा काम होगा? इस लोक से परे का काम होगा। या तो पारलौकिक में ले जाने का प्रयत्न कराएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, और या तो नई दुनिया में ले जाने का पुरुषार्थ कराएंगे। वो इस लोक की दुनिया नहीं है, स्वर्ग इस लोक की दुनिया है क्या? स्वर्ग इस लोक की दुनिया कहेंगे या अलग दुनिया कहेंगे? अलग है। मिसाल दिया है, जैसे दीपावली के दिन पतंगे पैदा होते हैं, रात में ढेर के ढेर पतंगे पैदा हो जाते हैं और सवेरे को खराब हो जाते हैं। तो एक दिन तो फिर भी 24 घंटे का हो गया। तो पतंगे तो पैदा ही होते रहते हैं, पैदा हुए और मरे। मनुष्य आत्माएं भी ऐसी हैं पतंगे जैसा पार्ट बजाने वाली? अगर है नहीं तो ये कहावत भक्ति मार्ग में कहां से आई कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है? 84 लाख जन्म लेती है या 84 लाख योनियों के पार्ट बजाती है? पार्ट बजाती है। चलो।